टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एंड एलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से ला, इसका वीडियो नंबर है 10। एंड इसमें जो क्वेश्चन अब होंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ही आती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट के पहले तो डिपेंडिंग क्वेश्चन, यानी कि इस पे जो फॉर्म क्या होती है, तो इस वीडियो में हम केवल फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म पे यहाँ पे क्वेश्चन आया करता है, या फिर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है फर्स्ट फॉर्म पे या सेकंड फॉर्म पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं एग्जाम में डाला हो जाता है। तो इक्वेशन होती है MdX प्लस का NdY इक्वल टू कॉन्स्टेंट, MdX प्लस का NdY इक्वल टू जीरो, अगर ये कोई इक्वेशन है, इफ़ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू, अगर डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू अगर डेल एन अपॉन डेल एक्स है, तो इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि नेसेसरी कंडीशन इसको कहते हैं, ये अगर वेरीफाई करता है तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू जीरो में व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशंस, एक तो ये लिख देगा, अदरवाइज और जिसके पास से फॉर्म होती हैं वो लिख सकता है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन इसकी यही होती है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू अगर डेल एन अपॉन डेल एक्स है, तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस सेटिस्फाई करता है, सफिशेंट्स, ठीक है। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट It is exact differential equation. तो ये exact हुआ, ठीक है। Exact है तो फिर क्या करते हैं, जब exact जान लेते हैं कि exact है, तो ये equation था MdX plus का NdY का integrate कर देते हैं, integration on both sides। उसके बाद integration होने के बाद जो terms आता है वो हो गया solution of equation, ठीक है। उस term को equation का solution कहा जाता है। अब बताती है कि एग्जैक्ट अगर ना हो तो एग्जैक्ट बनाई जाती है, तो इसको कह सकते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो ये तो एग्जैक्ट है, ठीक। कंडीशन नंबर फर्स्ट में एग्जैक्ट है, कंडीशन नंबर टू डालते हैं अगर एग्जैक्ट ना हो, ठीक है। कंडीशन नंबर इसको टू कहेंगे, तो टू वाली कंडीशंस में एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू जीरो है, एंड डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, बट इसमें आएगा वन अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस का डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि ये क्वांटिटीज रखने के बाद एक्स की वैल्यूज बची या एक्स का फंक्शन बचे, एक्स का सिंगल फंक्शन बचता है, तो उसको एफ एक्स मान लेते हैं, एंड इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये सिंगल फंक्शन ऑफ एक्स बचता है, आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इट इज़ द सिंगल फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये इंटीग्रल फैक्टर मानते हैं, और जो इक्वेशन था इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आई एफ से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, यानी इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, एंड मल्टीप्लाइंग करने के बाद इंटीग्रेटिंग करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाई आई एफ एंड इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन के बाद जो सॉल्यूशन आता है उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट। तीसरे टाइप में होता है ये एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स नॉट एग्जिस्ट थी, अगर वन अपॉन एम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस का डेल एम अपॉन डेल वाई जी वाई, यानी वाई का फंक्शन बचता है तो उसको जी वाई कहेंगे, उसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर जी वाई डी वाई के टर्म में होगा। जो इंटीग्रल फैक्टर्स आता है आई एफ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाइंग करते हैं एंड फिर इंटीग्रेटिंग करते हैं, ठीक है। तो अगली कंडीशन ये होती है, ठीक है। इस तरह से करके देखेंगे, अगर एक्स का फंक्शन आ रहा है बहुत ज़्यादा दो या तीन स्टेप में आ रहा है तो भी एग्जैक्ट नहीं बनेगी, फिर इस तरह से करके देखें वाई का आ जाएगा, छोटा फंक्शन आ जाएगा, सिंगल फंक्शन में आ जाता है तो आई एफ उसका निकाला जाए, ठीक है। तो दूसरी पहली कंडीशन अगर नहीं बनती है तो दूसरी ट्राई की जाती है, ये वाली ट्राई की जाती है, ये भी अगर नहीं बनती तो उसके आगे वाली फॉर्म, कंडीशन नंबर तीन हो चुकी है कंडीशन नंबर फोर। नेक्स्ट कंडीशन होती है, ये तो होमोजीनियस इक्वेशंस होता है, यानी कि एम एक्स प्लस का एन वाई इसमें नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, एंड पहली कंडीशन वही थी एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू जीरो, एंड डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन वाई डेल एक्स नॉट एग्जिस्ट थी, इसमें क्या करेंगे, आई एफ जो मानते हैं वन अपॉन एम एक्स प्लस का एन वाई को आई एफ मानते हैं,
एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट को IF से मल्टीप्लाइंग करते हैं एंड इंटीग्रेटिंग करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को IF से मल्टीप्लाइंग करेंगे एंड देन इंटीग्रेटिंग करेंगे। कंडीशन नंबर फाइव जो बनती है, नेक्स्ट कंडीशन बना करती है, तो इसमें जो होता है MX माइनस का NY नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे IF माना जाता है वन अपॉन MX माइनस का NY को IF मानते हैं। एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे हमारे पास MX प्लस का NDY इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन फर्स्ट था, तो उसको IF से मल्टीप्लाइंग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। इसमें एक और पहचानने का थोड़ा आसान मेथड होता है इस वाली फॉर्म में, ये इस तरह का फंक्शन मिलता है एफ ऑफ एक्स बाई dx, इसको आसानी से पहचाना जा सकता है एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह की ये फॉर्म हुआ करती है। तो इस तरह की जहाँ एक्स वाई एक साथ आ जाए, एक्स वाई बाई डी एक्स या जी ऑफ एक्स वाई एंड एक्स डी वाई, इस तरह की फॉर्म अगर आ जाती है तो भी यही वाली फॉर्म अप्लाई होगी, तो इसको हम इजीली से पहचान सकते हैं, ठीक है। एंड कंडीशन नंबर सिक्स तब लगाई जाती है जब ये पांचों कंडीशन फेल हो जाती हैं, यानी कि कोई सी भी कंडीशन एग्जिस्ट की ना हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। लास्ट वाली कंडीशन जो है उसमें एग्जैक्ट या जो इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, जैसे कि एक्स की पावर ए वाई की पावर बी पी वाई डी एक्स, मतलब कोई इक्वेशन थी, इक्वेशन के दो पार्ट के फॉर्म में थी, एक पार्ट ये था और एक इधर का पार्ट था, ये तो मान लें एम था, दूसरा डी एक्स था, तो इस तरह से मल्टीप्लाइंग करके रख देते हैं, कोई बड़ी सी इक्वेशन नहीं होगी, उसको मल्टीप्लाइंग करेंगे। उसके बाद इसके कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, कोफिशिएंट इक्वेट करने के बाद ठीक है ये ए बी की वैल्यूज निकाल ली जाती है एंड डेल एम अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स कह दिया जाता है कि हमने टर्म से मल्टीप्लाइंग कर दिया, इसको एग्जैक्ट बना लिया है, एग्जैक्ट बना ली जाती है और फिर इक्वेशन का क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। इस इक्वेशन की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबसे लास्ट वाली कंडीशन है, तो जो क्वेश्चन जनरली आता है वो पहली की इक्वेशन का ही, यानी पहली वाली फॉर्म का ही क्वेश्चन आ जाया करता है, ठीक है। तो ये इतने भी बड़े एग्जाम नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको फंसा दें, पहली दूसरी तीसरी पॉसिबल हो गया तो लास्ट वाली कंडीशन तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं बनती है, या वहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं कि पहले ही पहले क्वेश्चन यानी कि सॉल्व होने लग जाते हैं, ठीक है। तो पहली फॉर्म पे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाया करते हैं एग्ज़ाम में, फिर भी मतलब बनता है कि बताया जाए कि कोई सी भी अप्लाई हो सकती है, कहाँ लग जाए, है ना, किस फॉर्म से क्वेश्चन हो कि पहली फेल हो गया तो दूसरी ट्राई करें, दूसरी फेल हो गया तीसरी ट्राई करें, तीसरी फेल हो गया चौथी ट्राई करें, तो उस तरह से फॉर्म हमको अलग 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 ट्राई करना पड़ेगा कि जिस फॉर्म पे क्वेश्चन हो जाएगा,